आपने बनाया ये? पिज़्ज़ा पॉकेट। क्या एज ग्रुप है आपका? 13। रेड कलर का चिकन बनाया, रेड प्लेट पे सर्व किया और उसको रेड बेडशीट के ऊपर टेबल पर रख दिया और आपने फोटो खींच दिया गलत तरीके के साथ उसको पोस्ट कर अपने ग्लूटेन फ्री के लिए जो ब्रेड लिया। हाँ, ग्लूटेन फ्री ब्रेड ये घर में बनाया है। नहीं, घर पे बनाया है आपने ग्लूटेन फ्री, लेकिन उसमें आपने बेस किसका यूज किया? लाइक मैदा और आटा से तो ग्लूटेन है। मैदा आटा नहीं, इसमें एक्चुअली राइस है एंड पल्सेस हैं एंड सोयाबीन है, राजमा है। ओके। एंड कैशूनट्स। लाइक मिलेट उससे भी बनता है ना? मिलेट रागी उसका। हेलो, हाय। हेलो, क्या बनाया सर आपने? ये फ्रूट्स खीर और मानी। फ्रूट्स खीर एंड मानिया। मानिया पंजाबी डिश है और आपके इसको यहाँ पे बोलते हैं मीठे वाला चीला। ओके। फ्रूट का है ये। हेलो, आपने बनाया है ये? हाँ, पिज़्ज़ा पॉकेट। ग्रेट। हाँ, पिज़्ज़ा ब्रेड पॉकेट्स। हाँ, और ये पोश वड़ा। वाओ, ग्रेट। और ये बाजरे की राबड़ी। आपने खुद से बनाया है और समवन हेल्प्ड यू? नहीं, मैंने बनाया। क्या एज ग्रुप है आपका? 13। ओ ग्रेट। और इतना फायर पे काम करते हुए डर नहीं लगा आपको? नहीं, मैं 2 साल से कर रहा हूँ तो। सीख रहे हो आप कहीं से या अपने आप ही? नहीं, अपने आप ही। तो किससे आपको मिला ऐसा मोटिवेशन कि कुकिंग में जाना है? चैनल्स देखता था कुकिंग के, यूट्यूब चैनल। हाँ। ओके। तो उस पे फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया शौक के लिए, फिर मजा आने लगा तो मैंने कर लिया। और पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे इतने छोटे हो गए कुकिंग कर रहे हो? पहले मम्मी बोलती थी, अब नहीं बोलती। अब नहीं बोलती, अब खाने को मिलता है मम्मी को ऐसा? नाइस। अच्छा बनाया आपने। थैंक यू। इधर दिखाओ आप अपने पिज़्ज़ा पॉकेट। व्हाट इज दिस? दिस इज हमस। दिस इज फ्लेवर्ड हमस। दिस इज रेगुलर हमस। दिस इज ज़ाटज़की डिप विद लवाश। फिर बोला गया कि नॉन वेज 4 दिन कोर्स की करनी है, फिर मैंने वो डिसाइड किया। फिर उसके बाद बोला नहीं, स्टार्टर करना है। तो ऐसे करके लास्ट मोमेंट पे आई रोट रेसिपीज इन ओला वाइल ट्रैवलिंग और मैंने वही फोटो लेके इनको भेजा था। मैंने बोला टाइप करने की हिम्मत नहीं है। सो वेरी बेसिक रेसिपीज, मोर कंसंट्रेशन विल डू ऑन फिटिंग साइड बिकॉज लास्ट 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और वॉट एवर कॉम्पिटिशन आए गॉन थ्रू, मैंने देखा होम शेफ ने भी किया और स्टूडेंट्स ने भी किया। द थिंग विच आई हैड ऑब्जर्व्ड इज कि प्रेजेंटेशन पे इतना ध्यान नहीं देते। जितना खाना बनाना इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंटेशन भी उतना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट मैम? लेकिन वो आपको करना पड़ेगा ना, मैं तो करता ही कुछ। तो वेरी बेसिक रेसिपीज करेंगे, मेन इंटेंशन विद बी प्रेजेंटेशन। खाना बना के उसको प्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट है। देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई डिस्कस व्हाइल डूइंग दिस कुकिंग एंड प्लेटिंग। एक पहली चीज होती है रिपीटेशन ऑफ शेप। अगर हमने राउंड टिक्की बनाई और उसको राउंड प्लेट में सर्व किया और सॉस भी हमने डॉट डाले, वो भी शेप राउंड, गार्निश हम करते हैं उसके ऊपर कुछ, वो भी अगर हमने राउंड में भाजी कट की, तो आपको लगता है वो अच्छा दिखता है? सो देयर आर मेनी सच पॉइंट्स।
कलर होता है प्लेट का, किसी ने ग्रीन प्लेट ली, उसके ऊपर सर्व करते हैं हरा भरा कबाब, उसके ऊपर गार्निश करते हैं पुदीना या तो मिंट, पुदीना या तो कोरिएंडर, और उस पर सॉस डालते हैं मिंट चटनी, सारा कुछ ग्रीन। ये कभी सोचा था पहले? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट गिव, कलर रिपीटेशन ही होनी चाहिए। अब बहुत बार ऐसे होता है इंग्रीडियंट्स रिपीट होते हैं, मैंने धनिए का कुछ लेकर के बनाया, उसके ऊपर गार्निश भी मैंने धनिए की, जैसे कल एक जन ने किया था स्टूडेंट ने, जीरा राइस बनाया उसके ऊपर से सौते करके फिर से जीरा डाला, इतना बोला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जीरा राइस है, वो बताने के लिए मैंने ऊपर से जीरा डाला। अगर उतना जीरा कोई खा सकता है इतने राइस के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने ग्रेवी बनाई मशरूम की, मशरूम को मैंने भाजी उसके साथ बनाई मशरूम की, और पराठे में भी मैंने कुछ तो करके मशरूम डाल दिया है, अगर मैं एक प्लेट में तीन चीज़ें दे रहा हूँ, तीनों में तो वो इंग्रीडियंट रिपीट नहीं हो सकता, ये सब आप लोग नहीं सोचते हो, कभी सोचते हो? तब जाके एक फोटो हम लोग अपलोड करते हैं बींग अ शेफ, अगर आप करते हो तो वो ठीक है, बट इफ़ आई डू, जितने लवर्स होते हैं उतने हेटर्स होते हैं। अगर प्रैक्टिकली अगर मैं एक फोटो पोस्ट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ऑफ पोस्टिंग फोटोज ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाटएवर, जो करते हैं रेगुलरली उनको पता होगा, बट उसका भी एक आर्ट होता है, उसके बारे में लिखना, फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्पेलिंग्स करेक्ट ना, होम शेफ था, हम पोस्ट तो करते थे बट विदाउट एनी नॉलेज कि उसकी स्पेलिंग क्या है, एग्री? तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, कभी सोचा ये? खाना आपने बहुत अच्छा बनाया, आपने चिकन मखनी बनाई बहुत अच्छी, बट मखनी का स्पेलिंग ही रॉन्ग कर दिया, या तो चिकन आपने गलत लिख दिया, ये सब कोई ध्यान नहीं देता, बट डालने के पहले 5-10 मिनट उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करें, फिर फोटो पोस्ट करें। सेकेंड थिंग इज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आप नोट करो, मतलब आपको इतना पहले ध्यान नहीं होगा, बट मेरे बोलने के बाद आप आपके पुराने पिक्चर्स देखो, आपका जो बैकग्राउंड होता है उस पर आप ध्यान नहीं देते, आपने जो प्लेट खाने की बनाई है वो प्लेट पे ध्यान देते हो, भले वो आपने बिस्तर पे प्लेट रखी है, बिस्तर पे कोई प्लेट रख के खाना खाता है या फोटो देता है? कई बार ये होता है कि फोटो आप प्लेट का ले लो बट उसके बाजू में मिरर है, उसमें आपका पूरा घर दिखाई दे रहा है, किचन दिखाई दे रहा है, आपने कितना कुछ मेहनत किया, क्या कुछ किया है, बट हम वो भी ध्यान नहीं देते। रेड कलर का चिकन बनाया, रेड प्लेट पे सर्व किया और उसको रेड बेडशीट के ऊपर लेकर जाकर रख दिया और आपने फोटो खींच दिया, गलत तरीके के साथ उसको पोस्ट कर दिया। आप पोस्ट किसके लिए कर रहे हो? अप्रिसिएशन के लिए कर रहे हो। आज कोई मैं चीज़ पोस्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे फॉलोअर्स देखेंगे, कोई ना कोई देखेगा, इंप्रेस होगा, सारी दुनिया उसी पे चल रही है, कोई खुद के लिए तो पोस्ट नहीं करता। तो अगर आपने ऐसे करके पोस्ट किया तो उसमें आप आपका पोलिशनेस दिखा रहे हो। सो बिफोर पोस्टिंग स्पेलिंग चेक करिए, रेसिपी का नाम चेक करिए, कलर कॉम्बिनेशन चेक करिए, गार्निश चेक करिए। कई बार ऐसा होता है कि कड़ी पत्ता मेरे कोई भी रेसिपी में नहीं जा रहा है, बट मैंने गार्निश के लिए मेरे घर पे कड़ी पत्ता पड़ा था तो मैंने उसको डीप फ्राई किया और ऊपर लगा दिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप लोगों ने भी किया, काफ़ी लोगों ने वैसे ही किया, कॉम्पिटिशन भी था, सिर्फ मैंने कलर डालने के लिए या तो मेरे घर पर पड़ा था वो ज़्यादा मैंने लिया और डाल दिया। कल मैंने एक डिश खाई यहाँ पर, कोरमा था या मखनी आई, वो बंदे ने एक वो सिल्वर वर्क आता पता है, एक पेपर, उसने वो ग्रेवी के ऊपर पूरा एक पेपर डाल दिया, पूरा एक पेपर इतने बाउल के ऊपर, मतलब उसने खर्चा ज्यादा किया तो खर्च आ जाएगा, पॉसिबल है? अगर मैं मेरे घर खाने पे सिल्वर वर्क डालूंगा तो खाना अच्छा हो जाएगा, अगर मेरे को किसी ने सैफरन दे दिया तो मैं इतना सैफरन तो एक पे नहीं डालूंगा ना, लोग डालते स्पेशली मुझे सैफरन मिला है घर में, आज मैंने सैफरन रबड़ी बनाई तो उसके ऊपर पूरा सैफरन दिखेगा 1 ग्राम। हां सर, एक्चुअली हम जो टीवी शो देखते हैं उसमें मेरे प्रोफेसर सैफ को भी करके देगा कि सैफरन डाला पूरा। मैं आज मैं टोबैस को बहुत सारा डालूंगा क्योंकि टोबैस को मेरा स्पोंसर है, नहीं कर सकता हूं ना मैं तो, मेरे को तो, अरे वो मेरे स्पोंसर है, मेरे को तो डालना ही है, डालनी है, उतनी ही डाली है। ये मिस्टेक हमसे होती है कि अगर मेरे को किसी ने कैशू दे दिया, कैशू नट्स है जो दे दिए, अब मेरे को लगा कि मेरे टेस्ट को काफ़ी ठंडी लगी, मैं काम करता हूँ, मैंने मेरे को बाजू में इतने सारे कैशू पड़े
फ्राइड मैंने लिया और मैंने सब ऊपर से डाल दिया बिरयानी से अच्छी होगी। अरे गार्निश तो तुमने कर दिया लेकिन उसके नीचे क्या है मैंने एंड इन दी एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर ऑफ सर्विंग फूड। आइसक्रीम को मैं पूरा मंड करके गर्म तो नहीं दे सकता, मैं कोई पकौड़े ठंडे करके तो नहीं खिला सकता किसी को। और मैंने तो यू पार्टिसिपेट इन सच कॉम्पिटिशन, लोग ऐसे बोलते कि हमने फ्राई सुबह किया था, हमने पूरी सुबह बनाई थी, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी बोला। जैसे न्यू फॉर जयपुर आई नो कि काफ़ी कॉम्पिटिशन नहीं होते, जैसे न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू, बट नेवर एवर से डैट। तुमको पता था तुम ट्रैवल करके आने वाले हो, माइक्रोवेव में रीहीटिंग होती है, सिर्फ कुक नहीं होता। और माइक्रोवेव में अगर आप कोई चीज़ हीट करते हो ब्रेड हो सकते हो वो सॉगी हो जाता है। तो अगर आप ये जजेस को बता रहे हो, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मैंने जो नोट किया वो मैं आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो भी कॉम्पिटिशन होगा उसमें आप बेटर करो। इसमें आपका फुलिशनेस दिखाते हो कि मैंने तो शेफ पकौड़े गर्म बनाए थे बट वो अभी ठंडे हो गए, उसका ये हो गया, इट वॉज अ पापड़ तो क्रिस्पी रहना था बट अभी पूरा सॉगी हो गया, तो मैं क्या करूँ। तो आपको पहले पता नहीं था कि कॉम्पिटिशन आपके घर के नीचे हो रहा है या दूर हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स ने कल किया शेफ बनाने को, हमको थी ये वाली टिक्की बट हमने बना दी वेज क्योंकि इन्होंने चिकन नहीं दिया। अरे कॉम्पिटिशन ही वेज वाला था, कॉम्पिटिशन का नाम वेजिटेरियन है तो चिकन कैसे मिलेगा। कभी भी कहीं जाकर इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन आपके बारे में खुद नेगेटिव बता रहे हो लोगों को कि मेरे को ये नहीं मिला तो मैंने वो कर दिया सर, ये तो था ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं। इन प्रोफेशनल लाइफ मैंने कोई यू गो फॉर ट्रायल्स, फूड ट्रायल होते हैं जो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैंने कोई यू गो फॉर फूड ट्रायल्स। आज अगर मैं खड़ा हूँ मैं ट्रायल्स देता हूँ काफ़ी सारे लोगों के जब ज्वाइन के टाइम पर। तो कभी भी ये नहीं बोला जाता कि आपको टिकट नहीं लेनी है अगर मैं ट्रायल दे रहा हूँ, सर मेरे को बटर नहीं मिला, सर मेरे को ये नहीं मिला। जो आपको पड़ा है, जो सामान आपको दिख रहा है उसमें से आपको बनाना होता है। आप उनके अगेंस्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि शेफ तो मेरे को सैफरन रबड़ी बनानी थी बट किचन में किसने सैफरन नहीं दिया। कॉम्पिटिशन में भी कभी भी ध्यान रखना, नेवर एवर सेव नेगेटिव थिंग्स अगेंस्ट स्पॉन्सर, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजर, कुछ नहीं बोलना। जो चीज़ है अगर उसको लेकर के आप बना रहे हो तो वो अप्रिशिएटेड है, लेकिन आप बस आपका रो रहे हो कि मेरे को ये नहीं मिला, मैंने ये कर दिया, मेरे को ये नहीं मिला, इसके लिए मैंने ये डाला, तो दैट इज नॉट राइट। मैम वो हर्ब ऑयल है, अगर आपको कोई भी हर्ब ऑयल बनाना होता है तो यू हैव टू ब्लांच स्पिनच, अगर स्पिनच ऑयल बनाना है ग्रीन कलर ऑयल यू हैव टू, यू कैन डू इट यूजिंग मिंट ऑल्सो, यू कैन यूज यूजिंग कोरिएंडर। उसको आपको बॉईल करना है, इमीडिएटली आपको आइस वाटर में डालना है,
उसके बाद सारा पानी निकालना है, प्यूरे करना है और उसको ऑयल के अंदर डाल के ओवरनाइट रखना है। नीचे आपका वो बैठ जाएगा सारा बॉटल में, ऊपर आपका ऑयल होगा, उसको मिक्स करते जाना है। नेक्स्ट डे आप जब यूज़ करोगे उसको डबल स्ट्रेनर में या तो कोई कपड़ा लगा के स्ट्रेन करना, तो जो आपको ऑयल मिलेगा वो आपको कलर्ड ऑयल मिलेगा। हम लोग टर्मरिक ऑयल बनाते हैं, ग्रीन कलर का ऑयल बनाते हैं, वी मेक रेड ऑयल। तो यस, तो ये आपके प्लेटिंग में एक ऐड करता है। यहाँ पर जो आपको प्लेट करना है उसके लिए सिर्फ यहाँ पर जगह रखनी है। अभी मैं पूरी सारी प्लेट पे कर दूंगा, यू कैन पुट व्हाटएवर यू वांट। फोक, ये किया फोक है, मैंने दो सॉस डाले। यू कैन डू यूजिंग फोक, यू कैन डू इट विद टूथपिक ऑल्सो। मैंने इसको लिया बाहर से, मैंने इसको इस साइड किया, डन। सो आई होप दिस विल बी माई लास्ट प्लेट। शेफ सौरभ ने मेरे को रुकने के लिए बोला है। गुड, एटीन इंच डायमीटर की इतनी बड़ी प्लेट और उसके ऊपर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे रखे थे। सो दैट वॉज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दैट प्लेट डिड गॉट फर्स्ट नंबर, उसको उन्होंने अलग एक कैटेगरी बनाई और उसको अवॉर्ड किया। सो टाइम कम से कम 18 मार्क्स थर्टीन और हर किसी की अलग रेसिपी थी। कंपटीशन का एक रूल होता है कि रेसिपी देनी होती है उसके साथ। सो व्हेन माय कैंडिडेट वेंट एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू द जजेस, जब उन्होंने वो पेज देखी उन्होंने बोला कि ये वाले डिश का पेज दिखा। जब उसने इतना बड़ा बुकलेट दिया देन ओनली दे डिसाइडेड कि कल अवार्ड के टाइम पे आओ, वी विल डू समथिंग फॉर यू। जब गया तो उन्होंने एक अलग कैटेगरी बना के और उसको सिग्नेचर डिश। बट आफ्टर डूइंग प्लेटिंग वर्क आई थिंक everyone is started clapping and thank you Jaipur for all your love and it was my duty to do something for you people coming here 2 days। जो भी मैंने observe किया मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दे करके I plan to do plate। Watch you, me and the home chef, by a home chef, with home chef and a chef। Love your recipes, don't forget to watch it। Please watch and do watch, thank you।